इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तृतीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हुए निश्चय से सब जीव सिद्ध है, एकेंद्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विध। योग कसायों के ही कारण आत्म के परिणाम, तिनको ही गुण थान कहो है। 14 संख्य प्रमाण ज्यो कोई ज्वर वान पुरुष को, सब कुछ कड़वो लागे त्यों मिथ्या दृष्ट जीवन को। जिनवर वचन न भावे प्रथम कहो तिन में मिथ्यात्व, पंच भेद और आनो एकांतिक विपरीत विनय सह संशय ज्ञान बखान। दो नय में एक कही को माने सो एकांति कहावे, केवली कवला हार बतावे वह विपरीत रहावे। सब देवन को और गुरुजन को मानो, क्या सच्चा क्या झूठा संशय, ज्ञान बिना शिव ठानो। गुणस्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें कोई भी एक प्राप्त कर सके। भव्य जीव क्रम नाते जो अनादि मिथ्या दृष्टि है,
प्रथम लह उपशम समकित को सप्त प्रकृति का उपशम जिनको उपशम सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति उदय हो यदि केवली द्वय पद मूल सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे आदि कषाय उदयावे सासादन दूजो गुण थान ज्ञान अज्ञान कहवे अनंतानुबंधी कसाय का काज है समकित गाते एक समय से छयावली पल मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के उदय समय में तीजा गुणस्थान चौथा पंचमया साधिवना भवी मिथ्या दृष्टि पहले से बीती जा गुण थान विषय भावत शुभ उपयोगी यही जगन पात्र कहलाते जगन ही अंतर आत्म शुभ उपयोग बड़े व्रत से तो सम्यक दृष्टि को नित होवे धर्म धर्म फल प्रीति य संवेग तथा निर्वेद आत्म साक्षी का मैं अगनिंदा गरहा गुरु से कंपा परिणाम सर्व अनुकंपा रत्नत्रय धारी में भक्ति मी से नेह पालन से ही सम्यक दर्शन लेह आदि तीज आ जावे लघु मुहूर्त छासठ तैतीस सागर काल रहावे रोकना पड़ता है सब सम्यक दृष्टि जीव के लिए पिछले कई दिनों से नौवें छंद के माध्यम से उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है। आठ गुण सम्यक दृष्टि जीव के विशिष्ट रूप से यहाँ अलग से बताए गए जो लगभग लगभग आप लोगों ने प्रथम बार ही सुने होंगे कि सम्यक दृष्टि जीवों के भी ये कोई आठ गुण हुआ करते हैं। संवेग की चर्चा हुई, निर्वेद की चर्चा हुई, आत्मनिंदा और गरहा की भी चर्चा हुई, उपशम भाव क्षमा के परिणाम इतने के लिए बताया गया था। एक और उसी में नौवें छंद के अंत में सर्व प्राणी अनुकंपा
यह भी एक गुण सम्यक दृष्टि जीव का कहा गया है। सभी प्राणियों में अनुकंपा रखना, दया रखना, यह सम्यक दृष्टि जीव के अंदर का भाव स्वतः बन जाता है। दया भाव ही सबसे बड़ा देखा जाए तो धर्म है। आप लोग ऐसा समझते हैं कि सम्यक दर्शन अलग है और दया भाव अलग है, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर दया सब जीवों से होती है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे उनके अंदर दया केवल जो ऊपर ऊपर दिखने वाले कोई बड़े बड़े जीव हैं उनसे हो पाएगी। बड़े बड़े जीव में भी किन्हीं खास जीवों से होगी, किसी से नहीं होगी। हम दुनिया में देखते ही हैं, कुछ लोग किसी विशिष्ट पशु को मानते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं और बाकी सबको मार भी देते हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह का भाव नहीं होता। सभी पशु सभी जंतु उसके लिए जीव के रूप में जब दिखाई देते हैं तो वह सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है। चलने फिरने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से किसी का भी वह घात करने का विनाश करने का वह परिणाम अपने अंदर नहीं लाता, यही उसके दया का परिणाम दया का भाव कहलाता है। यह दया का भाव धर्म बन जाता है, क्योंकि धर्म का मतलब है आत्मा का स्वभाव। आपसे पहले दिन भी कहा था, धर्म का मतलब आत्मा का स्वभाव। ये जितने भी गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, इन गुणों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब हमारी आत्मा के स्वभाव हैं। दया करना आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है। हम कहें कि आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है दयावान होना, धार्मिक का एक गुण है, और अगर धार्मिक होकर के वो दयावान न हो तो उसके धर्मात्मा होने का कोई भी चिन्ह सामने दिखाई नहीं दे सकता। तो धार्मिक जीव नियम से दयावान होगा, इसीलिए दया को सब धर्मों में माना गया। भारतीय संस्कृति के अंदर सबने दया को स्वीकार किया, सबने बोला दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास ने भी कह डाला दया धर्म का मूल है। इधर सभी जैन आचार्यों के द्वारा भी इस बात की उद्घोषणा हुई कि दया के बिना कोई भी धर्म नहीं होता। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया है। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव होना ये सब लोगों में नहीं आ पाता। दृष्टि समीचीन होगी तो वह सब प्राणियों के प्रति दया का भाव करेगा। आजकल हम देखते हैं लोग गौशाला खोलते हैं, अच्छी बात है गौशाला खुलना। अब उस गौशाला में केवल हम गायों की रक्षा का भाव रखते हैं, उसके अलावा कोई भी और अन्य जानवर हैं उनकी रक्षा का हम भाव नहीं करते। ऐसा क्यों? प्राणी तो सभी हैं, दया तो सभी के प्रति आनी चाहिए, लेकिन वह दया का भाव एकांतिक रूप से केवल गायों के प्रति क्यों आता है? सम्यक दृष्टि जीव तो सबके प्रति दया का भाव रखता है। अगर उसके लिए कहीं भैंस हैं, कहीं और भी कोई जानवर हैं जो उसके लिए भेड़ हैं बकरी हैं, वो भी अगर मरते हुए दिखाई देते हैं तो क्या उनके प्रति दया भाव नहीं करेगा? विचारो तो। केवल गाय के लिए दया का भाव होना और बाकी के और भी जो प्राणी हैं उन सबके प्रति दया का भाव नहीं होना, तो ये तो कोई बराबर का भाव नहीं हुआ, ये तो सबके प्रति दया का भाव नहीं हुआ। उसके लिए तो चाहे मछली आदि जलीय जंतु हो वो भी उसके लिए दया के पात्र होंगे, चाहे वो मुर्गी हो मुर्गा हो बकरे हो बकरा हो कुछ भी हो भेड़ हो भैंस हो कुछ भी हो, वो सबके प्रति उसके अंदर दया का भाव होगा। सूकर हो कुत्ते हो बिल्ली हो सबके प्रति दया का भाव होगा, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो।
इससे क्या प्रयोजन? जीव है, जीव को मारना पाप है। जो चल फिर रहे हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो उनका परिणाम है कि वो किस तरह से जिए, लेकिन किसी भी जीव का घात करना, मार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अधर्म है, पाप है। तो हर व्यक्ति को अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो कोई भी जीव जंतुओं की, प्राणियों की हिंसा दिखाई देती है, उसको बचाने का परिणाम आना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव सबके प्रति दया का भाव रखता है। अगर आपके लिए कहीं पर कोई भी तरह के जानवर कटते हुए, मरते हुए दिखाई देते हैं और वह अपने को पता होते हैं, तो उनके प्रति दया का भाव रखना ये हमारे अंदर का पहला धर्म का परिणाम होता है। आप उसको बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन दया का भाव आना तो आपके अंदर का एक स्वाभाविक परिणाम होना ही चाहिए। जब आपके अंदर कोई इस तरह का भाव आएगा तो फिर आप उस जीव को बचाने की भी कोशिश करेंगे। अब आजकल की दुनिया में तो देखा जाए तो इतनी तादाद में जीवों का वध होता है कि कोई भी जीव उनको बचाने की सोचे तो कैसे बचा सकता है, और बचा के भी कहाँ ले जाए। 10-20 जानवर कहीं से अगर कोई बचा के ले भी आए तो वो कहाँ रखेगा, अपने घर में तो रख नहीं सकता। उनको भी रखने के लिए कोई एक अलग स्थान होना चाहिए, कोई अलग बाड़ा होना चाहिए, तो वो भी अगर वो सोचेगा तो बना पाएगा। बहुत से लोग गौशाला बनाते हैं, अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन और भी ऐसे जीव हैं जिनकी नियम से हिंसा होती है, और यूं कहना चाहिए कि वो तो हिंसा के लिए ही बनते हैं। मानो कोई भी जीव अपनी स्वाभाविक मृत्यु नहीं कर सकता, ऐसी पर्यायें उनको मिलती हैं, जैसे मुर्गा, सूकर, बकरा, बकरी, मछली, इन सब जीवों का अंत इसी तरह से होना है। आप क्या कर सकते हो? जैसे लोगों के लिए गौशाला के प्रति रुझान होता है, वैसे ही अन्य पशुओं को भी बचाने का रुझान होना चाहिए। विचार तो हम दे ही सकते हैं। कई जगहों पर मैंने सुना है बकरा शाला भी होती है। हाँ, मैंने सुना है, देखा है, बकरा शाला भी होती है। माने क्योंकि बकरा तो नियम से उसका वही अंत होना है। अब ऐसे जीवों को यदि आप बचा पाओगे और उनका अंत समय उनके ही अपनी आयु पूरी होने से हो, और उनके अंत समय उनका कोई दूसरे कत्ल आदि के रूप में ना हो, तो ये उनके प्रति बहुत बड़ा आपका एक दया का परिणाम, उनके अगली पर्यायों को सुधारने के काम में आ सकता है। गाय के लिए तो नियम नहीं है कि गाय का वध ही होगा, लेकिन जिनका नियम है हमें उनकी तरफ भी तो देखना चाहिए। इनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। सूकर शाला भी हो सकती है, मुर्गी शाला भी हो सकती है, ये पोल्ट्री फार्म वगैरह ये सब जो खुलते हैं ये तो सब मारने के लिए ही है, ये कोई पालन नहीं है। ये तो सब उनको कहीं ना कहीं बेचा जाना है, कहीं ना कहीं उनके लिए इस तरह से ही उनका अंत होना है। तो अगर व्यक्ति के अंदर दया का भाव आए तो वह कहीं पर भी कोई भी इस तरह की छोटी छोटी जगह बना करके, छोटे छोटे बाड़े बना करके, उनमें अगर वह कुछ भी पशुओं को अगर रक्षित कर पाता है, कुछ भी पशुओं की अगर वो रक्षा कर लेता है, तो कम से कम ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो, लेकिन आपके माध्यम से अगर 2, 5, 10, 20 जीवों की भी रक्षा हो जाती है तो भी आप अपने मन में सोच सकते हो कि भाई मेरी तो स्थिति इतनी है, चाहता तो हूं कि सबकी रक्षा हो जाए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, मैं उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं, तो मैं केवल 2, 5, 10 जीवों की रक्षा तो कर ही लूं। इस तरह के रक्षा के भाव भी अगर करने में आएंगे तो भी कुछ ना कुछ दया का परिणाम बना रहेगा। ये दया का भाव अनेक लोगों में अगर थोड़ा थोड़ा भी आता चला जाएगा तो बहुत सारे पशुओं का अंत समय में जो उनका बुरे तरीके से मरण होता है और वो तड़प तड़प के मरते हैं, अगर वह पशु अपना पूरा जीवन अपनी आयु के साथ प्रसन्नता से जी ले और अंत भी उनका सुखद हो जाए, तो उनके लिए उस पर्याय से भी मुक्ति मिल सकती है।
क्योंकि अंत समय में जो उन्हें दुख हुआ, क्लेश हुआ, उसके कारण से, उनकी कसायों के कारण से उनके लिए फिर वैसे ही और जघन्य आयु का बंद होगा और उनके लिए बुरी पर्यायें ही मिलेंगी, जिससे उनका आगे का परलोक और भविष्य भी बिगड़ता ही जाता चला जाता है। अगर उन जीवों के लिए सुखपूर्वक मरण हो जाए और अगर कोई व्यक्ति उनके लिए अच्छे रमोकार मंत्र आदि के श्रवण के साथ, कोई उनको अपने स्नेह के साथ अगर उनका मरण करा देता है, उनके अंतिम जीवन की श्वास इस तरह से निकल जाती है, तो उनके उस विशुद्धि परिणाम से उनके लिए आगे ये पर्याय मिले ना और उसके कारण से फिर उनका अगला जीवन सुधरता चला जाए, ये पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। जीवों की रक्षा करने का भाव सबके अंदर होना चाहिए और तरह तरह से उन जीवों की रक्षा करने के लिए हमें तरह तरह के जीवों को भी अलग अलग समूह में, अलग अलग जगहों पर इकट्ठा करके भी हम उनका रक्षण कर सकते हैं। हमें आना चाहिए कि उनका रक्षण कैसे होता है। हर जीव के रक्षण की अलग अलग विधियां होती हैं। आप गाय भैंस की तरह उन पशुओं को कहीं भी ऐसे टीन शेड के नीचे नहीं छोड़ सकते हो। जो कोमल पशु पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह, मुर्गा मुर्गी वगैरह, इनके लिए आपको अलग से बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हर जीव की रक्षा का भाव अगर थोड़ा थोड़ा सम में होगा तो एक गौशाला में भी अनेक तरह की और भी पशुशालाएं हो सकती हैं, लेकिन लोगों का ध्यान केवल गाय पर रहता है। हमें भाव ये आना चाहिए, सर्व प्राणी अनुकंपा, ये टाइटल होना चाहिए हमारा। सभी प्राणियों पर अनुकंपा करो। अनुकंपा माने दया का ऐसा परिणाम कि जिससे आपका हृदय कंपित हो जाए, उसको कहते हैं अनुकंपा। दया में आपके अंदर का परिणाम थोड़ा भींगता है, लेकिन अनुकंपा भी एक ऐसा शब्द है जिसमें हृदय कप जाए। इन जीवों का इतने बुरे तरीके से मरण होता हो रहा है, इतना वध हो रहा है, ऐसा विचार करते हुए जब आपका हृदय कप जाए तो उसी परिणाम का नाम अनुकंपा भाव कहलाता है। यह अनुकंपा भाव सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही कहा गया है। अगर आपकी दृष्टि समीचीन है तो आप सब प्राणियों में दया का भाव रखेंगे और इस तरह का यह दया का भाव सब जीवों में आ सकता है। इसमें जैन और अजैन का कोई लेना देना नहीं है। दया का भाव हर बच्चे के अंदर, हर बड़े के अंदर आ सकता है और अपने अपनी स्थिति के अनुसार 10 लोग भी मिलकर के कहीं पर कोई समूह बना करके और कोई जगह लेकर के उसमें किसी भी तरह के जीवों की रक्षा के भाव करते हैं तो यह दया का भाव ही उन जीवों की रक्षा का भाव बन जाता है। वो जीव मरने ना पाए और मरे तो अपनी मृत्यु से मरे, सहज मरे, अपने आयु कर्म के क्षय से मरे, उनके लिए कोई घात ना कर पाए। इस तरह का अगर एक तरफ हम देख रहे हैं हिंसा का व्यापार चल रहा है, हिंसा का परिणाम चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह से ये अनुकंपा और दया का भी कार्य होना चाहिए और इस तरह का कार्य होगा तभी जाकर के धर्म कुछ थोड़ा सा बच पाएगा। धार्मिकता के भाव कैसे दिखाई देंगे? तो इस तरह के परिणामों के अनुसार ही आपके अंदर वो धार्मिकता और प्रबल होगी। सभी प्राणियों के प्रति क्या रखना? अनुकंपा का भाव रखना, दया का भाव रखना। ये कितने गुण हो गए? ये 7 गुण हो गए। एक और 8वां गुण है जो 10वें छंद की प्रथम लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रत्नत्रय धारी में भक्ति साधर्मी से नेह। यह भक्ति होना, रत्नत्रय धारी के प्रति भक्ति होना और साधर्मी जनों से स्नेह होना, ये एक ही भाव है जिसे स्नेह भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव कुछ भी कह सकते हैं। और इस तरह का भाव जब आपके अंदर आएगा तो आप साधर्मी के प्रति अपने आप एक सामान्य रूप से जो स्नेह भाव आता है वो आपका बना रहेगा। साधर्मी का मतलब क्या होता है? अप,
अपने साथ रहने वाले साधर्मी कहलाते हैं। सुन रहे हो? धर्म की दृष्टि से देखें तो जो धर्म को मानने वाले हैं वो भी साधर्मी हैं, जो एक परिवार में रह रहे हैं वो भी साधर्मी हैं। अगर हम परिवार की दृष्टि से देखें तो पति पत्नी आपस में क्या कहलाएंगे? सधर्मी कहलाएंगे। आपका अपने परिवार के सब लोग क्या कहलाएंगे? सधर्मी कहलाएंगे। उसी परिवार को जब हम समाज के साथ जोड़ करके देखें तो समाज के सब लोग आपके लिए क्या कहलाएंगे? सधर्मी कहलाएंगे। और जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपके दोस्त हैं, सखी सहेली हैं, मित्र हैं, ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगे? ये सधर्मी कहलाएंगे। सधर्मी का मतलब होता है जिनका धर्म एक समान हो वो सब सधर्मी है। क्या सुना? जिनका धर्म भाव एक समान हो, यानी सब दया धर्म को मानने वाले हो, सब अहिंसा धर्म को मानने वाले हो, सबके अंदर सम्यक दर्शन का भाव हो, सब इस तरह से निर्ग्रंथ गुरुओं को मानने वाले हो, तो वो सब क्या हो गए? सधर्मी हो गए। इन सब सधर्मियों के प्रति भी एक स्नेह का भाव होना, प्रेम का भाव होना, आपस में लड़ाई का भाव नहीं होना, ये क्या कहलाता है? ये सम्यक दृष्टि के गुण कहलाते हैं। अगर हम इस भाव को देखें, इस गुण को देखें, तो इस गुण के माध्यम से अच्छे एक परिवार की समायोजना हो सकती है। सधर्मी से नेह स्नेह, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में एक स्नेह का भाव होता है, और उस स्नेह के भाव के कारण से ही वह परिवार अच्छा चलता है। अगर उस स्नेह में कमी आ जाती है तो परिवार में विघटन होने लग जाता है। परिवार में सब लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं? स्नेह चाहते हैं। जहां पर कुछ स्नेह की कमी दिखाई दी, समझ लेना वहीं पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। दो बेटे होते हैं, चार बेटे होते हैं, अगर माता पिता एक को ध्यान में रखते हैं या किसी एक बेटे को ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो केवल बड़े को ही प्यार करते हैं, हमको तो सोचता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं कुछ, तो क्या हो जाता है उसके अंदर? अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति भी एक वैमनस्यता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ये स्नेह के भाव की कमी के कारण से संभव होता है, और ये स्नेह बराबर बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर के सदस्यों की। अक्सर आप लोग देखते होंगे, दो बेटे हैं या एक बेटा है एक बेटी है, तो ये बात घर में आपको सुनने को मिल जाएगी। कभी बेटी कह सकती है कि बेटे को ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता, कभी बेटा कह सकता है बेटी को ज्यादा ध्यान रखते हैं माता पिता, और ये बात अगर बेटे बेटी के अंदर आ जाती है तो थोड़ा सा उनके मन में आने लग जाता है, मुझे घर में प्रेम कम मिलता है, स्नेह कम मिलता है, मेरी कद्र लोग कम करते हैं, तो उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव जब पैदा होता है तो फिर वह किसी दूसरे से अपना जुड़ाव करने लग जाता है, किसी दूसरे मित्र को बना लेगा, किसी दूसरे और लोगों से अपने आप को जोड़ेगा, और जहां उसको लगेगा कि लोग मेरी कद्र कर रहे हैं वो वहां जुड़ जाएगा, और उसके कारण से घर के लोगों के प्रति उसका स्नेह कम हो जाएगा। ये कारण होता है। जब आप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा या मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, ये अपने दोस्तों में मस्त रहता है, तो उसका भी एक कारण रहता है, वो आप समझ नहीं पाते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की कि हम अपने बेटे बेटियों को भी पूरा स्नेह देना है, और आपस में पति पत्नी भी हैं तो उन दोनों को भी एक दूसरे के स्नेह की आवश्यकता होती है। बिना स्नेह के तो चल ही नहीं सकता घर परिवार। नेह, नेह है तो जुड़ाव है, और नेह नहीं है तो
तो वो घर में मुटाव है, मन मुटाव है। घर के अंदर का जुड़ाव स्नेह से होता है, और स्नेह में कमी आई, आप तो जानते हो स्नेह माने स्निग्धता, स्निग्धता माने चिकनाई, जहां चिकनाई होगी तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी, और चिकनाई की कमी हुई चीजें एक दूसरे से अलग हुई। कोई भी हो, पति पत्नी के बीच में भी स्नेह की मांग हमेशा बनी रहती है। कभी कभी तो पत्नी देखती रहती है ये मुझे स्नेह करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं समझे? अगर पति नहीं समझ पाए तो वो एक छोटी सी भी बीमारी या छोटी सी बात पे भी पूरा संबंध टूट सकता है। अगर पत्नी को कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया, कहीं बुखार आ गया, कोई कष्ट हो गया, और पति ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या कह दिया हाँ तुम चली जाना, वो डॉक्टर से मैंने कह दिया है, वो कार ले जाना, वहां डॉक्टर के पास चली जाना, मैंने वहां पर अपॉइंटमेंट करा दिया है। हो सकता है पत्नी यही देख रही हो कि मेरे लिए अगर बुखार आता है या मेरे लिए कोई बीमारी होती है तो पति मेरे साथ क्या करता है, और अगर उस पति ने ऐसा कर दिया बीमारी बढ़ गई। ये वो देखती रहती है कि इनका मेरे प्रति कितना स्नेह है, और अगर उसे ये समझ में आने लगा कि इनके अंदर स्नेह की कमी है तो वो बीमारी बढ़ भी सकती है, और वो इतनी बढ़ सकती है कि एक बहुत बड़ी गांठ बन सकती है, दोनों के संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। और अगर पति को पूछने की फुर्सत ना हो कि क्या हो गया, वो उसका मूड समझ ना पाए, और वो भी उसको बताने की जरूरत ना समझे तब तक जब तक कि वो ना पूछे, तो ये बीमारी हुई तो थी थोड़े से समय के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक संबंधों में अंतर पैदा कर सकती है, और इसी कारणों से संबंध बिगड़ जाते हैं। छोटी छोटी वो बातें होती जरूर हैं, लेकिन ध्यान पूरा रखना होता है। इसलिए घर परिवार चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। लोग मुंह उठाए फिरते हैं हमारी शादी करा दो। शादी तो हो जाएगी, शादी के बाद क्या करोगे ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम उस जिम्मेदारी को ढंग से निर्वाह कर सकने योग्य हैं कि नहीं। इसीलिए शादियां होने के बाद 2 महीने 3 महीने भी नहीं हो पाते हैं और सब बिखर जाता है। आजकल तो ये अति मात्रा में होने लगा है। 10 संबंधों में से अगर 4 संबंध भी 5 संबंध भी अच्छे ढंग से निर्वाह को प्राप्त हो जाएं तो एक बहुत बड़ी बात समझना। आप रेशियो अगर निकाला जा रहा है तो ये निकल रहा है कि 10 में से 7 संबंध कुछ ही महीनों में विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं, 2-3 संबंध ही होते हैं जो चल पाते हैं। कारण इसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग की कमी होना। ये आपके अंदर कहां से आएगी तो और कहीं से नहीं आएगी, यही साधर्मी के प्रति नेह करने वाला गुण, ये अगर आपके अंदर फिट हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां होने से पहले ही ठीक हो जाएंगी, और अगर कभी बीमारी हो भी गई तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, नासूर नहीं बनेगी, क्योंकि आपने उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट दे दिया। ये चलता रहता है। जैसे पत्नी को पति के स्नेह की जरूरत होती है, ऐसे पति को भी पत्नी के स्नेह की जरूरत होती है। जब वो साथ में बैठते हैं और उस साथ में बैठते हुए कभी पति सोचता है क्या बात करें, और बात शुरू हुई, और बात कहां से शुरू हुई, तो पत्नी ने कोई ना कोई घर का काम बताने से शुरू की बात, किसी ना किसी सास बहू की कमी बताने से बात शुरू की, कोई बच्चों की प्रॉब्लम से बताने से बात शुरू की, तो बात तो शुरू हुई, और बात शुरू होने के बाद में वो बात का अंत कहां हुआ कि कोई ना कोई वो प्रॉब्लम और बड़ी सामने खड़ी दिखाई दी। तो जब पति को ये समझ में आने लग जाता है कि भाई जब जब इससे बात करता हूं तो क्या होता है, प्रेम तो कुछ होता नहीं,
स्नेह की तो कोई बात होती नहीं और एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। और जब उसे यह समझ में आने लग जाता है कि यह समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो फिर उसके अंदर यह भाव आने लग जाता है कि भाई इससे तो अच्छा है कि बात ही ना की जाए। और जब यह होने लग जाता है कि बात ना की जाए, तो फिर वहीं से बात बिगड़ने शुरू हो जाती है। ये विचार आपके अंदर अगर रहेगा तो आप अपने अंदर का स्नेह भाव हमेशा टटोलते रहेंगे, और स्नेह भाव के कारण से ही घर चलता है। कोई भी संबंध है, सास का, बहू का, पिता का, पुत्र का, हर संबंध में स्नेह भरपूर होना चाहिए। स्नेह का एक दूसरा नाम तेल होता है। तेल क्या बोलते हैं? दीपक तो ले लिया आपने, बाती भी बना ली, दीपक तो है, बाती भी है, जब उसमें तेल डले तो कोई बात बने। नहीं समझे? हाँ, एक भजन है अंतर गूंज का, तो कोई बात बने। तो बात तो तब बनेगी जब उसमें आप पूरी की पूरी पूर्ति उसकी कर पाओ। अगर उसमें तेल की कमी रह गई तो वो दीपक, वो बाती, वो माचिस क्या करेगी? बाती तो जलेगी, लेकिन तेल के बिना बाती कैसे जलेगी? तो बाती ही जलेगी, लाइट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं होगा, धुआं निकलेगा, तो बस वो ही होने लग जाता है, फिर धुआं निकलने लग जाता है। फिर जब एक दूसरे के पास बैठते हैं, आमने सामने आते हैं, या तो आने से कतराने लग जाते हैं, या अगर आ गए तो फिर धुआं निकलता है। धुआं का मतलब तुम उससे बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? जब जब बोलता हूं कुछ ना कुछ शिकायत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ये इस तरह की जो बातें जब शुरू होने लगे तो समझो क्या होने लगा, अब धुआं निकलने लगा, अब प्रकाश नहीं आ रहा है, अब संबंधों से धुआं निकलने लगा। जब संबंधों का धुआं निकलने लगेगा तो फिर संबंध धीरे धीरे, धुआं निकलने का मतलब ही है, अब वो संबंध बिगड़ने लग गए। एकमात्र यह चीज है, आजकल लोग ये नहीं समझ रहे कि धर्म हमारे जीवन में कितने काम की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर का धर्म सब कुछ चलाने के लिए उसके लिए योग्यता पैदा करता है, और वह सम्यक दृष्टि घर को भी अच्छे ढंग से चला सकता है, परिवार को भी चला सकता है, समाज को भी चला सकता है, और अगर देश भी चलेगा तो इन्हीं गुणों के कारण से चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे